ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। कर्म समापन अंत कैसे संतगण ईश्वर के पास चले जाते हैं, ये दृष्टांत दिखाती है हमें, सबको अनुप्राणित करते हैं। देयर लाइफ इज ए मॉडल फॉर अस टू फॉलो। जो राजा महाराज का जो महाप्रयाण हम लोग उल्लेख किए थे, वो ब्रज का राखाल थे, उनके लिए जन्म ग्रहण करना और धराधाम छोड़ के जाना एक लीला मात्र है ठाकुर के दिया हुआ कर्म समापन करके गए। लेकिन ये दिखाते हुए गया है कि कैसे ठाकुर अपने संतान को बुला लेते हैं। कई उदाहरण हम लोग चर्चा किए हैं इस परंपरा में। और एक प्रत्यक्ष घटना उल्लेख करते हुए ये प्रसंग समापन करेंगे। अपने आंखों से जो देखा है कैसे महापुरुष का महाप्रयाण होता है। हम लोग तो बेलून मठ में थे, कर्मरत थे त्राण विभाग में, एवं रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के तदानीतन दशम अध्यक्ष थे श्रीमद स्वामी बीरेशन जी महाराज। सन 1985 ईस्वी में तब उनको उम्र हुआ था 93। इसके पहले उनका शरीर अस्वस्थ थे, वो कैंसर से पीड़ित हुए थे, फिर कैंसर से आरोग्य लाभ किया और वो अच्छे थे, शरीर स्वस्थ था। लेकिन उनके जो जीवन का घटना बोली शेष में जो दिखाई पड़ा, वो धीरे धीरे अपने महाप्रयाण का प्रस्तुति ले रहे हैं क्लियरली। और सबको इंगित भी दे रहे हैं, तो जब उस समय में अनेक गुरुत्वपूर्ण घटना भी हुआ, लेकिन शरीर अस्वस्थ होने के बावजूद उन्होंने जो आरब्ध कर्म सब समापन किया, अर्थात उस समय में दुर्बल, अचानक थोड़ा दुर्बल हो गए, तब भी उनके शरीर में कोई रोग का निर्णय नहीं ले पाए हैं लोग। तो एक उनके जीवन में उल्लेखित है, एक प्रवीण सर ने ऐसा के बताया कि महाराज डॉक्टर लोग तो बोल रहे हैं जी यहाँ पर कोई आपको सब ऑर्गन्स स्वस्थ है, रोल पर्स गुड। इस अवस्था में भी उन्होंने हंसी मजाक कर रहे हैं, सी हाउ दे टेक देयर द डिपार्चर सो स्पोर्टिंगली सो जॉयफुली, देखने का चीज़ है। तो डॉक्टर लोग भी बहुत, हम लोग तब छः बेलून मठ में थे, तजीब बन गए जी कैसे क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो दुर्बल होने का कोई कारण नहीं है, अच्छा
स्वेच्छा से जब कोई भगवान बुलाते हैं, सच्चे जाने के लिए तैयार है, तब कौन उसको रोक सकता है। तो बोला जा, आपको सब पाठ बोला, देख कहानी सुनो, बोल रहे हैं। एक व्यक्ति गाड़ी खरीदने के लिए एक दुकान में गए और बोला, बहुत अच्छा एक गाड़ी हमें चाहिए। तो दुकानदार गाड़ी देख के बताया, अब ये गाड़ी ले जाइए, इसके ऑल पार्ट्स आर गुड, आर इक्वली गुड, सब इनका पार्ट्स सब समान रूप से अच्छा है। बहुत खुश हो गए और बहुत पैसा दे के वो गाड़ी खरीद के खुद ही ड्राइव करके जा रहा है। तो कुछ देर जाने के बाद महाराज बोल रहे हैं कि उनका जो गाड़ी का चार चक्का पहिया एक साथ खुल के निकल गए, साइमल्टेनियसली ऑल द टायर्स वेंट आउट ऑफ द व्हीकल एक साथ साइमल्टेनियसली। तो भगवान का कृपा से किसी हालत से बच गए, लेकिन बहुत गुस्सा आया उसको। फिर दुकान में गए, बोला जी आप, मैं इतना पैसा देके आपको एक गाड़ी लिया, नया गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तुमने बोले क्या हुआ स्वामी जी, ना स्वामी जी उनको बोला क्या हुआ, वो जेंटलमैन को बोला, तो बोला कि अरे चार चक्का एक साथ खोल गया। तो उन्होंने बताया, देखिए हम लोग तो भूला था आपको, ऑल पर्सन इक्वली गुड, तो इक्वली तो चार चक्के जो अभी कभी सुना है, चार चक्के एक साथ खुल के जाता है, सब एक साथ जो इक्वली गुड होगा तो जाएगा देख, ऐसे करके हंसी मजाक कर रहे हैं। अर्थात उनको निर्णय हो गया। तो एवं ना केवल ये किया उनको, जो उनको जो अनुष्ठान आदि सब सम्प्लीट करके उनका एक सेवक उनको बुलाया, पंचांग ले आओ। तो उस सेवक हमारे अरुण महाराज थे, पूजन अरुण महाराज अभी बनारस में है ओल्ड एज होम में, पंचांग लेके पढ़ो। तो वो पढ़ना चालू किया, ये तारीख था 10 मार्च 1985 बिरून मठ में। तो एक एक करके पढ़ रहे हैं, हमारा आँख बंद करके सुन रहे हैं। तो 10 मार्च से 16 मार्च तक पढ़ा, बोला अच्छा ठीक है बंद कर दो और जरूरत नहीं, और कुछ बोला नहीं, ठीक है। तो ये सब सुन के वहाँ पर हमारे भरत महाराज वहाँ पर उपस्थित थे, स्वामी अभयानंद जी, वो भी मठ का मैनेजर है एवं महाराज के साथ बहुत घनिष्ठता था, हरिहर आत्मा जिसको कहलाता है। तो भरत माई सुन के वहाँ पर आके उपस्थित हुआ और उन्होंने महाराज साहब सुबह 11 बजे आए थे और महाराज को बोला, ये बहुत उत्साह दिया, ये प्रभु उनसे सीनियर थे, तो प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि उसको पता था ये इसी करके पड़े हुए हैं। तो क्योंकि एक सीनियर स्वामी जी आए थे, वो बोला स्वामी जी आप अगर चाहे तो आप फिर आप कर्म कर सकते हैं, आप हम लोग जानते हैं हमारे लिए तो कर्म करना, तो आप तो बोलते हैं कर्म करना चाहिए। तो महाराज कुछ उसमें ज़्यादा उसके सहमति दे, लेकिन जब भरत महाराज बोला ये तुम्हारा इसी करके, तो वो महाराज जी से बोलते सब ठाकुर की इच्छा। तो भरत महाराज, नहीं ठाकुर का तो इच्छा है, लेकिन तुम्हारा इच्छा भी जरूरत है, तुम जो आई एवं मी दोनों अंग्रेज में बोला, इसके ऊपर जोड़ दो, अहम मेरा ये सब, मतलब जीवन में तुम्हारा मन में थोड़ा अहम कर लो, मैं अगर तुम अगर संकल्प लेते हो जो मैं ठीक हो जाऊँगा, ठीक हो जाओगे, ये तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इतने हजारों भक्त तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सब तुम्हें चाहते हैं, वी ऑल वांट
दैट यू कंटिन्यू योर वर्क। देखिए जब कर्म समापन हो गया, दुनिया उनको बुला रहे हैं, तब उनको मनोभाव देखिए, तो कहते हैं तो तुम सब अपने चाहते हैं यार, यू आर ऑल राइट बट यू टू रिज्यूम योर वर्क। तो मी और माइंड के ऊपर जोड़ लो। प्रभु जिस प्रभु महाराज विरेशन इस समय जोक कर रहे हैं, लेकिन मेरा तो आई नहीं है। आई नहीं मतलब उस समय उनका दृष्टि शक्ति नहीं था, आई साइट नहीं था। कहते मेरा तो आई नहीं है, तो भरत महाराज समझा नहीं, आई नहीं है कैसे तुम्हारा मियाँ माइन तुम जोर करो। तो वो कहते मेरा तो अभी दृष्टि शक्ति आई मतलब दृष्टि शक्ति तो नहीं है। सब हंस रहे एट दैट मोमेंट। अर्थात आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है आपका ओर से, लेकिन मैं उस अवस्था में जाने के लिए अभी मानसिक रूप से प्रस्तुत नहीं हूँ। तो ऐसी पड़ा हुआ 10 तारीख तक। फिर जो जब फिर 13 तारीख में वो अंतिम समय निर्वाचित कर लिया और सामने सबको एकदम वो क्लियर करके जो उनका जो यात्रा का जो बंदोबस्त जबरदस्त करके बंदोबस्त करके जिष्ठा ठाकुर मंदिर में वो अर्घ भेजा है और समय पूछा है क्या है नहीं है करके एकदम निर्वाचित करके सुनिंद्रियत जो सबको बुलाया, तो अनेक घटना दिया है। फिर दोपहर को 2:30 बजे उनके जेब में रहता था माँ का चरण धूलि एक रूपा का कोटा, दैट वॉज इज लास्ट राइट। यद्य भी शरीर बहुत दुर्बल था तभी हाथ से एक उनकी जो चिन्हित जो वरिष्ठ सन्यासी से स्वामी घनानंद जी जो परवर्ती काल में प्रेसिडेंट हुआ था, अब वो भी बाद में नहीं बाद में हुआ था, उनको बुला के उनका हाथ में वो समर्पित कर दिया 2:30। और देखिए उनको तब दृष्टि शक्ति नहीं था, तब पूछा किसको हाथ में गया, बचा बहुत निश्चिंत हुआ करके फिर 3:17 ही पास्ट अवे। लेकिन ये जो उनका यात्रा पथ, ये जो सबको ये एक इंडिकेशन दे के गया कि ये कोई एवं अंतिम में उसका एक स्वर्गीय स्माइल हाँसी जो बोले बैठा दो फिर, मतलब देर इज नो सेंस ऑफ एनी दिस कोई ग्रीफ कोई दुख कोई गम परम। जो हमारा कर्म समापन हो गया, मैं प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पण करके अभी प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, सब बंदोबस्त कर दिया। एंड बिफोर गोइंग सी मेड एवरीथिंग ऑल क्लियर, ट्रस्टी मीटिंग किया, किसको क्या करना है सब कुछ निर्धारित करके, सब कर्म चुका के निष्पादन करके तब यात्रा किया। उस समय में जब उनको रोका जा रहा था, जैसे कि उनको वहाँ से बेलून मठ से सेवा प्रतिष्ठान में ट्रांसफ़र करने के बाद हुआ तो उन्होंने इनकार कर दिया नहीं, तो आत्मस्थान जी थे उन्होंने कहा आप तो कहते हैं कि चिकित्सा में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए, तो कहते तुम लोग करो चिकित्सा में विरोध करो, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा शरीर यहाँ ही रहे, विरोध नहीं कर रहा हूँ। सो लेकिन क्या है, उन्होंने इंडिकेशन दिया नो माय वर्क इज ओवर नाउ आई हैव टू गो। तो जब ये जो मैं बता रहा हूँ जब बुलाते हैं, जैसे राजा महाराज के बुला रहे हैं अभी रह नहीं पाएंगे, जब बुलाते हैं तब जितना भी बुलावा आवे वो अब उनको रोक नहीं पाता है। यहाँ के सामने हम लोग देखा कि कैसे
तृप्ति के साथ, जब कहा गया था जिसको आत्मा भी तृप्ति, आत्मा भी रति, आत्मा भी संतुष्टि, उसका और कार्य नहीं रहता है। जस्त्वात्मा रति रेवस्वात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मा नहीं बच संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। गीता का जो वाणी है इन लोग के जीवन में परिस्फुट आँख के सामने देखा कि इसे परिपूर्ण जीवन, दिव्य जीवन, ये सब लिखित दलील है जो कि हम लोग भी प्रत्यक्ष किया। तो ये है ठाकुर जी का जो अपूर्व लीला कि कर्म समापनते आप लोग बुला लेते हैं तब वो व्यक्ति अब रह नहीं पाता है। तो ठाकुर भी ये एक साधारण दृष्टांत देके इसको समझा रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।